से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री प्रतिनिधि, सम्मानित पत्रकार, मीडिया टीम के सम्मानित साथीगण और भारत के अध्यक्ष, आज मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि तमाम कुप्रचारों के कथित भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए या लगाए जा रहे आरोपों के बावजूद पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी राहुल गांधी जी द्वारा जारी नफरत के खिलाफ उद्देश्य को लेकर भारत जोड़ो यात्रा ऐतिहासिक सफलता अग्रसर कर रही है। और मध्य प्रदेश में भी उन्हीं के शब्दों को मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग उस पूरी यात्रा में मौजूद थे। राहुल गांधी जी ने भी उस पर अत्यधिक प्रसन्नता जारी की है कि मध्य प्रदेश अन्य राज्यों से बेहतर यात्रा को सफलता दे पाया है। उस यात्रा के बाद हमारी भावी संरचना को लेकर माननीय सुरेश पचौरी जी आज हमारे बीच है। वे कांग्रेस पार्टी का रुख विस्तृत तौर पर आपके सामने रखेंगे और मैं गुजारिश करना चाहूंगा आप सभी से कि इस पत्रकार वार्ता का पूरा फोकस राहुल गांधी जी की यात्रा और संगठन की भावी व्यापक संरचना को लेकर होगा। तो आप कृपा कर उन निहित उद्देश्यों को लेकर हमें आप सहयोग दें। पत्रकार वार्ता के बाद आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और पत्रकार वार्ता के ही बाद आपको मालवा के स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लेना है। और जब भोजन नजदीक हो तो मैं इसमें ज्यादा विलंब नहीं करना चाहूंगा, वादा करना चाहूंगा माननीय सुरेश पचौरी साहब से कि वे अपना अभिमत आपके समक्ष प्रस्तुत करें। माननीय सुरेश पचौरी, सम्मानित पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो मैं आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आगे आने वाले त्योहारों के लिए भी आपको अग्रिम बधाई देता हूं। जैसा कि के मिश्र जी ने बताया कि आज की पत्रकार वार्ता भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में आयोजित की गई है। खास तौर से मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के विषय में हम बात करेंगे और स्वाभाविक बात है कि ये बात सामने आती है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश में होने के बाद अगला कदम क्या होगा, यानी अगला एक्शन प्लान संगठन की ओर से क्या होगा। इससे पहले कि मैं ये बात कहूं, मैं विनम्रता पूर्वक यह बताना चाहूंगा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका उद्देश्य क्या है, इसका लक्ष्य क्या है। उदयपुर में कांग्रेस का नव संकल्प शिविर आयोजित हुआ था, उसमें यह तय हुआ कि एक जन जागरण अभियान आयोजित करना चाहिए और उसमें यह घोषणा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक पद यात्रा आयोजित की जाएगी और इस पद यात्रा के जरिए देशवासियों की जो ज्वलंत समस्याएं हैं, देश के सामने जो प्रमुख चुनौतियां हैं,
उनको हाईलाइट किया जाएगा और विपक्ष के नाते हमारा क्या दायित्व है उसको उल्लेखित किया जाएगा। आप जानते हैं कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। रुपए का दाम कम हो गया है, देश पर आर्थिक संकट है। और मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा जिनकी जानकारी भलीभांति आपको है कि महंगाई 35 साल में सर्वाधिक है, बेरोजगारी लगभग 42% है, पिछले 45 सालों में सर्वाधिक है। और NCRB के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार चरम सीमाओं पर है। अब मैं इसको दो भाग में बांटना चाहूंगा। पहली बात तो देश की क्या स्थिति है और दूसरा भाग मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। किसी भी प्रदेश की तरक्की इस बात से मापी जाती है कि उस प्रदेश में शिक्षा का स्तर क्या है, उस प्रदेश में स्वास्थ्य का स्तर क्या है, उस प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। और ये आंकड़े मैं राजनीतिक दल के नाते नहीं दूंगा, स्वयं नीति आयोग ने ये कहा है जो केंद्र सरकार का है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत पीछे है। और स्थिति ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 36वें स्थान से 35वें पायदान पर है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 19वें स्थान से 17वें स्थान पर है। और मध्य प्रदेश में लगभग 3,83,000 करोड़ से ऊपर का कर्ज है। NCRB के आंकड़ों के हिसाब से महिलाओं पर, बालिकाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में चरम सीमा पर है। शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। अब प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के जो 12 दिन रहे उसमें क्या हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि 23 नवंबर को मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से भारत जोड़ो यात्रा का प्रवेश हुआ। सुबह 6 बजे से पदयात्रा राहुल गांधी जी की प्रारंभ हो जाती थी और लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा प्रतिदिन होती थी। इस पदयात्रा के दौरान वो विभिन्न लोगों से वार्तालाप करते थे, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे लेखक हों, चाहे साहित्यकार हों, चाहे अन्य राजनीतिक दल के लोग। मध्य प्रदेश में राजगोपाल जी भी आए, अब अन्य समाज सेवी भी अन्य अन्य स्थानों पर इस पदयात्रा में आए। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि ये पदयात्रा कांग्रेस की पदयात्रा थी, बल्कि ये पदयात्रा जन आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की भी थी, उन भारतवासियों की थी जो देश में संविधान की रक्षा के पक्षधर हैं, समरसता के पक्षधर हैं, सर्वधर्म संभाव के पक्षधर हैं। प्रश्न ये उठता है
कि अब इस पदयात्रा के बाद क्या हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फैसला किया है कि 26 जनवरी के बाद 3 माह तक हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक पर जहां तक संभव हो हर गांव में जो ये पदयात्रा की थीम है उसी थीम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की जो असफलता हुई, वादा खिलाफी हुई, मैं उन क्या क्या वादा खिलाफी हुई विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, आप जानते हैं, फिर भी मैं एक संक्षिप्त नोट इसका आपको वितरित कर दूंगा। खास तौर से हमारे मध्य प्रदेश के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राज में क्या स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे इस प्रदेश की जनता से किए थे उन वादों की पूर्ति की दिशा में क्या कदम नहीं उठाए गए, उन सब बातों को उजागर किया जाएगा। मैं यूं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने रात दिन मेहनत करके इस पदयात्रा को अविस्मरणीय बनाया है, ऐतिहासिक बनाया है। उनके नेतृत्व में प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता ने प्राणपण से इस यात्रा में भागीदारी की है और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागणों ने, कांग्रेस जनों ने इस पदयात्रा को सफल बनाने में अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। यही बात कहके मैं फ्लोर आपको देता हूं, यह कहते हुए कि आज देश में, आज प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की, आम इंसानों की स्थिति दयनीय हो रही है। किसानों की जो आय है वो कम हो गई है, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई पर कोई अंकुश नहीं लग रहा है। ये भयावह स्थिति प्रदेश में है। अगर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार रहती तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि मध्य प्रदेश में प्रगति और विकास का स्वर्णिम अध्याय होता। हमें कष्ट होता है जब हम विचार करते हैं कि हमने कमलनाथ जी जैसे अनुभवी और दूरदर्शी नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार को गवाया है। उसके पहलू में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं कि अभी हमें कमलनाथ जी जैसा दूरदर्शी और अनुभवी नेतृत्व कांग्रेस को मध्य प्रदेश में मिला है और हम पूर्ण आशान्वित हैं कि आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को विजय मिलेगी। अजय सिंह जी हमारे साथ पदयात्रा में थे। अजय सिंह जी इस पदयात्रा के दौरान कार्यक्रमों में भी रहे हैं। अजय सिंह जी जो वार्तालाप राहुल गांधी जी का प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ हुआ उसमें भी शामिल थे और मैं भी उसमें मौजूद था। राकेश भाई आपने अच्छा प्रश्न किया और मुझे अवसर दिया कि मैं इस बारे में भी कुछ बोलूं। 26 जनवरी तक की ये यात्रा प्रस्तावित है कन्याकुमारी तक, सारा ध्यान अभी इस पर है। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या मध्य प्रदेश में जब ये यात्रा 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में रही तो क्या इस यात्रा के उद्देश्य से संबंधित अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे? मेरा उत्तर है कार्यक्रम निरंतर जारी रखे जाएंगे और जो मैंने ये कार्यक्रम बताया है ये कार्यक्रम की शुरुआत
पहले से भी हो जाएगी। आप देखिए, चाहे विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उजागर करने की बात हो, चाहे लोकसभा राज्यसभा में केंद्र सरकार की नाकामी को बताने की बात हो और राष्ट्रीय मुद्दे उठाने की बात हो, इन सब बातों के मामले में कांग्रेस पार्टी सजग है, गंभीर है। हम विधानसभा में भी उन सब मुद्दों को उठाएंगे जिनसे आम जनता उद्वेलित है। हम दिल्ली में दोनों सदन में भी उन मुद्दों को उठाएंगे जिसमें भ्रष्टाचार का भी मुद्दा है। आप जानते हैं कि आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक मामले सामने आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार के दौरान सामने आ रहे हैं। पचानी साहब, मेरा एक सवाल है। कल आपके मंत्री, पूर्व मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें ये कहा उन्होंने कि मुख्यमंत्री से संबद्ध जो भी मंत्रालय है उससे अगर हम कोई सवाल पूछते हैं तो ये कह दिया जाता है कि अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, जानकारी उपलब्ध की जा रही है, और ये वर्षों से ऐसा चल रहा है। दूसरे ये कि विधानसभा अपने पूरे वक्त चलती नहीं है और लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, इस पर आप क्या कहें? ये बहुत दुर्भाग्यजनक है और ये एक हमारे यहाँ, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो एक कॉमन फैक्टर रहता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर टालना हो तो ये कह दो कि इन्फॉर्मेशन इज बीन कलेक्टेड, जानकारी उपलब्ध की जा रही है, और जानकारी फिर प्रेषित नहीं की जाती। मध्य प्रदेश में ये ज़्यादा हो रहा है। एक तो सत्र की अवधि कम रहती है, दूसरा कॉल अटेंशन के जरिए, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के जरिए, एडजॉर्नमेंट मोशन के जरिए, कट मोशन के जरिए जो बातें उठाई जाती हैं उनकी अनुमति नहीं दी जाती है। ये बात विधानसभा में भी दुर्भाग्य से लागू हो रही है और पार्लियामेंट में भी दुर्भाग्य से लागू हो रही है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा हूँ और संसद में 24 साल का मुझे अनुभव है। पहले ऐसा नहीं होता था। अब जो है संसद में जो ऐसी समस्याएं हैं जिससे आम जनता परेशान है, जो देश हित में चर्चा करने वाले मुद्दे हैं, उनकी परमिशन दुर्भाग्य से ना तो सदन में मिल पा रही है ना विधानसभा में उठ पा रही है। लेकिन फिर इसका उपाय क्या है? जो मैंने कहा कि आखिर भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी? जब सदन में मामला नहीं उठाने दिया जा रहा है तो सड़क पे उठाने दिया जाए। जब सड़क पर परमिशन नहीं हो रही है पब्लिक मीटिंग की, धरना प्रदर्शन की, तो पदयात्रा के जरिए उन मुद्दों को उठाया जाए। इसीलिए ये भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। काफी करीब से कई उतार चढ़ाव आपने देखा है, इस प्रकार की पदयात्राएं आम लोगों से कैसे भावनात्मक रूप से जुड़ने में फायदेमंद होती हैं? आने वाली उस पीढ़ी को बताइए जो राजनीति में अपना भविष्य बनाए। देखिए, मैं इतिहास के पन्नों को नहीं पलटना चाहूंगा, लेकिन पदयात्रा का एक अपना महत्व है। दांडी यात्रा महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ की, वो देश को आज़ादी दिलाने के लिए थी। भूदान यात्रा विनोबा भावे जी ने प्रारंभ की, उसके पीछे मकसद अलग था। उसके बाद चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा की, NTR ने पदयात्रा की, राजशेखर रेड्डी जी ने पदयात्रा की, ये इन सब के पीछे मकसद अलग था। आप कहेंगे कि मैं अडवाणी जी की पद यात्रा का जिक्र क्यों नहीं कर रहा हूँ, वो पदयात्रा नहीं थी, वो रथ यात्रा थी और उसके पीछे एक राजनीतिक मकसद था। ये जो पदयात्रा है इसके पीछे राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन जन चेतना इससे जागृत होती है और निश्चित रूप से इस राहुल गांधी जी की पदयात्रा से जन चेतना जागृत होगी। राकेश भाई, आप कुछ पूछिए। एक सेकंड, मैं आप पर आ जी। इंफॉर्मेशन की बात आ रही है सर, तो इंफॉर्मेशन आप तक
तक पहुंची होगी रेल पटरी की। अब एफआईआर दर्ज हो गई है, कांग्रेस की अधिकृत लाइन क्या है इस पर, उनका बयान कांग्रेस जब प्रभाव रखती है या बेदूरी बनाती है? राकेश भाई, पहली बात तो उनका बयान मेरी जानकारी में नहीं है। दूसरी बात, जो बात उनके बयान से संबंधित उद्धृत की जा रही है, यदि वो सही है, यदि वो सही है तो वो बयान निंदनीय है। कांग्रेस में हिंसा का कोई स्थान नहीं। तीसरी बात, इस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी जानकारी एकत्रित करेगी, और जैसे मैंने कहा कि इस प्रकार के बयान यदि सही है तो उसको उसका कोई स्थान कांग्रेस में नहीं है कि हम उसको एंडोर्स करें, इसकी हम निंदा करते हैं। मेरी जानकारी नहीं, पहले आपको अगर आप आज्ञा दें तो फिर आप आराम से पूछिए, जितनी देर पूछना है मुझे कोई वो नहीं। क्यों नहीं, अभी हमारा वीटो है, बैठिए दो मिनट बैठिए। अच्छा जाओ। हाथ से हाथ जो अभियान I am glad that you have this information. As per circular of Mr. Venugopal, General Secretary AICC, it's mentioned in the Haath Se Haath Jodo Abhiyan program. On 10th December 2022, he sent a circular mentioning all this program, wherein it is also mentioned that in every capital of India, Mahila March will be organized in the leadership of Srimati Priyanka Gandhi Vadra. We are expecting that Priyanka ji comes in Bhopal and leads the same Mahila March. भैया आप पूछ रहे थे कुछ? राकेश जी नहीं है, और पूरे देश की बात कांग्रेस द्वारा की जा रही है। देखिए, आज 96वां दिन है और लगभग 2600 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी हो गई है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 3500 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। रूट जो बना उसके आधार पर जो राज्य आए उन राज्यों में ये यात्रा आयोजित हो रही है। प्रश्न ये उठता है कि इनमें क्यों नहीं, उनमें क्यों नहीं, वो रूट के हिसाब से हुए, वो इलेक्शन कहाँ है और कहाँ नहीं है इस आधार पर नहीं हुए। लेकिन अगले चरण में अन्य स्थानों में भी उसकी अधिकृत घोषणा तो AICC करेगी, मुझे करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि ये आयोजित होगी। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि जो अभी वेणुगोपाल जी का सर्कुलर है उसके हिसाब से हाथ जोड़ो जो अभियान चलाया जाएगा ये भारत जोड़ो यात्रा का ही एक पार्ट है। इन एडिशन टू दिस भारत जोड़ो यात्रा, दिस कैंपेन इज बीइंग लॉन्च। आपके इस प्रश्न का जवाब दूं उससे पहले मैं राहुल गांधी जी कहां कहां गए उसका जिक्र करना चाहूंगा। राहुल गांधी जी टट्या मामा की जन्मस्थली बड़दा अहिर में गए और वहां उन्होंने आदरांजलि अर्पित की
टट्या मामा जी को, और आदिवासियों के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया उसका जिक्र किया। उसमें कई आदिवासी एमएलए और आदिवासी नेता कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी से हटकर अन्य आदिवासी वर्ग के महत्वपूर्ण नेता भी मौजूद थे। हमारी कोशिश ये होगी कि ये यात्रा के साथ साथ अन्य वो कार्यक्रम जो अनुसूचित जाति जनजाति सर्वहारा वर्ग से संबंधित हैं वो कार्यक्रम भी रहे। ये रूट राहुल गांधी जी का चेंज केवल एक जगह के लिए हुआ, जो उनका रूट बन के आया था उस रूट के अतिरिक्त महू जाने के लिए जो 26 नवंबर का कॉन्स्टिट्यूशन डे था, बाबा अंबेडकर जी की जन्मस्थली थी, वहां जाने के लिए रूट तय हुआ। तो इस दौरान वो बाबा अंबेडकर जी को भी प्रणाम करने के लिए गए, और संयोग की बात है कि उस अवसर पर एआईसीसी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी वहां कृपा पूर्वक पधारे। तो वो आदिवासी जो शहीद हैं टट्या मामा वहां भी गए, महू अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर भी गए, महाकाल और ओंकारेश्वर भी गए, और जैन मुनि को प्रणाम करने के लिए भी गए। तो मैं सोचता हूँ कि आपके प्रश्न का इसमें जवाब निहित है, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो मैं इसी पर अपने आप को केंद्रित करना चाहूँगा। आपका इस प्रश्न का जवाब मैं और आपको बाद में दे दूँगा। चलिए समाप्त है, दिस इज लास्ट क्वेश्चन जी। नहीं, लुक, आफ्टर दिस पदयात्रा इन मध्य प्रदेश वी विल हाईलाइट द फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। वी विल हाईलाइट ऑल दोज इश्यू इन विच बीजेपी गवर्नमेंट फेल्ड एंड डिड नॉट फुलफिल द प्रोमिसेज विच वर मेड एट द टाइम ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट इलेक्शन। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल कंडीशन एंड अदर कंडीशन ऑफ द कंट्री। थैंक यू। दूसरे फ्लोर का भोजन के लिए आमंत्रित है। Yes.